हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अडानी पावर शेयर के ऊपर। इन डिटेल में हम लोग देखेंगे जो अडानी पावर शेयर में अगला टारगेट हम लोगों का क्या होना चाहिए, हम लोगों को कैसे ट्रेड यहां पे प्लान करना चाहिए। तो आप लोग जो है वीडियो को ध्यान से देखिएगा, और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है, एनालिसिस अच्छा लगता है, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आप लोगों को भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चलिए अब जो है हम लोग एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं। अगर हम लोग बात करें अडानी पावर शेयर के ऊपर, अडानी पावर शेयर जो है आज यहां पे आपको 2% नीचे जो है स्टॉक क्लोज हुआ है। 6 पॉइंट का जो है यहां पे हम लोगों को गिरावट देखने को मिला है। 285.35 पे जो है आज यहां पे अडानी पावर क्लोज हुआ है। लास्ट 5 ट्रेडिंग सेशन की अगर हम लोग यहां पे बात करें तो तकरीबन 2.25% स्टॉक जो है यहां पे नीचे ट्रेड कर रहा है। करेंटली देखेंगे तो आपको ज्यादा बड़ा गिरावट जो है लास्ट 5 ट्रेडिंग सेशन में भी हम लोगों को यहां पे नहीं देखने को मिला है। ऑलमोस्ट एक ही रेंज में आपको स्टॉक ट्रेड कर रहा है। और लास्ट 1 मंथ में देखेंगे तो स्टॉक जो है मोर और लेस एक ही रेंज में आपको ट्रेड कर रहा है। यहां पे लास्ट 1 मंथ में भी स्टॉक ने एक अच्छा रिटर्न नहीं बना के दिया है, लेकिन अगर 1 ईयर में देखेंगे तो स्टॉक ने काफी अच्छा रिटर्न बना के दिया है, और 5 ईयर में तो आपको ऑलमोस्ट 1000% का रिटर्न जो है इस स्टॉक ने यहां पे बना के दिया है। तो चलिए अब हम लोग डिटेल में आपको टेक्निकली बात करते हैं स्टॉक में क्या कुछ हो रहा है। अगर यहाँ पे हम लोग देखेंगे, जैसा कि हम लोगों ने वहां पे देखा, जो ऑलमोस्ट लास्ट के 5 ट्रेडिंग सेशन से स्टॉक जो है एक ही रेंज में यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। इस लेवल को अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो एक अच्छा सपोर्ट का लेवल है। इस लेवल पे ऑलरेडी इससे पहले भी जो है आपको सपोर्ट रेसिस्टेंस स्टॉक ले चुका है, ब्रेकआउट दिया था, वापस से आपको यहाँ पे रिटेस्ट किया, स्टॉक ऊपर गया, सस्टेन नहीं किया, अगेन यहाँ पे फॉल बैक करके इसी लेवल पे आपको स्टॉक यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। अगर हम लोग यहाँ पे वीकली बेसिस पे देखेंगे तो वीकली बेसिस पे क्लियरली हम लोगों को एक बेयरिश सेंटीमेंट दिख रहा है, क्योंकि अगर यहाँ पे हम लोग देखेंगे स्टॉक ने 150 रुपीज के ऊपर जो है एक अच्छा ब्रेकआउट दिया था। ब्रेकआउट देने के बाद स्टॉक यहाँ से आपको ऑलमोस्ट 100% का रिटर्न दे चुका है। तो यहाँ पे एक करेक्शन जो है आपको ड्यू है, यहाँ पे ज्यादा बड़ा करेक्शन अभी हुआ नहीं है। तो स्टॉक अगर यहाँ पे आपको और नीचे आता है, 250 रुपीज के नीचे अगर आ जाता है, तो वापस से हम लोगों को एक अच्छा करेक्शन देखने को मिल सकता है। तो चलिए अब जो है हम लोग अगर बात करें डेली चार्ट के ऊपर, तो डेली चार्ट के ऊपर क्लियरली हम लोगों को दिख रहा है, जो स्टॉक जो है एक चैनल पैटर्न में यहाँ पे हम लोगों को ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। ऊपर की नीचे की साइड ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, और ऊपर की साइड ट्रेंड लाइन का यहाँ पे कंसिस्टेंस है। अगर यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो स्टॉक जो है क्लियरली ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लिया, एक अच्छा अप मूव किया, अगेन रेसिस्टेंस लिया, एक अच्छा डाउन मूव किया, सेम ट्रेंड लाइन के सपोर्ट से अगेन बाउंस बैक किया। क्लियरली यहाँ पे वापस से अगर देखेंगे एक अच्छा सपोर्ट ले रहा है, अभी करेंटली अभी ले रहा है। तो यहाँ पे हम लोगों का क्या प्लान होना चाहिए? अगर यहाँ पे नीचे की साइड आपको 277 का लेवल ब्रेक होता है, तो यहाँ पे क्या होगा, एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट ब्रेक होगा, प्रीवियस स्विंग लो, साथ ही साथ जो है यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी ब्रेक होगा। तो इस वजह से जो है हम लोगों को नीचे की साइड एक अच्छा मोमेंटम मिल सकता है, जो कि इस स्टॉक को आपको 250 के लेवल तक लेके जा सकता है। अगर ऊपर की साइड यहाँ पे 300 का लेवल ब्रेक होता है, तो 300 का लेवल अगेन हम लोगों का यहाँ पे जो है एक नैरो रेंज ब्रेक होगा, 5-6 ट्रेडिंग सेशन का नैरो रेंज ब्रेक होगा। नीचे की साइड ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, अगर ऊपर की साइड ब्रेकआउट होता है तो अगेन हम लोगों को यहाँ पे 350 का लेवल देखने को मिल सकता है। तो आपको बस यहाँ पे वेट करना है। नीचे की साइड 277 का लेवल अगर ब्रेक होता है तो आपको 250 का लेवल, और 250 का लेवल ब्रेक होता है तो वापस से जो है यहाँ पे आपको 220 का लेवल देखने को मिल सकता है। ऊपर की साइड अगर 300 का लेवल ब्रेक होता है तो यहाँ पे जो है आपका टारगेट यहाँ पे 350-360 का हो जाएगा, अपर चैनल हो जाएगा। नीचे की साइड आपका स्टॉप लॉस जो है प्रीवियस स्विंग लो के नीचे रहेगा, जहां पे कि आपको ट्रेंड लाइन भी है और साथ ही साथ स्विंग सपोर्ट भी है। तो आई होप आप लोगों को सभी चीजें जो है क्लियर हो गई होंगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।